सात सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संगठन के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कचहरी स्थित परिवहन निगम के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों का निजीकरण बंद किया जाए तथा निगम और प्राइवेट वाहनों में यात्री कर एक समान करने के साथ 31 दिसंबर 2001 के पूर्व संविदा चालक परिचालक को नियमित करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने तथा विभाग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, सेवा एवं मृतक कर्मियों देयकों को भुगतान किया जाए और ACP का भुगतान तथा मृतक आश्रितों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी आंदोलन को बाध्य होंगे। इस अवसर पर रमेश तिवारी, कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, अशोक कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद नायक, नूरुल हसन, दुर्गा प्रसाद यादव, रमा शंकर पासवान, कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्र सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संघ के शाखा मंत्री राजेंद्र प्रसाद नायक और रोडवेज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, राजेंद्र प्रसाद नायक, शाखा मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संघ, गोरखपुर डिपो। आज जो है प्रदेश सरकार की हुकूमत द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि वो निजीकरण की कार्रवाई को बंद कर दें, जैसे निगम चल रहा था चलने दिया जाए। कृष्ण श्रीवास्तव, आज परिवहन निगम के सामने सरकार ने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। 93% रूट प्राइवेट हैं, केवल 7% रूट राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिस 7% रूट पर हम लोग चलते हैं और हम उस 7% से ही इतनी पैसा पैदा करते हैं कि सरकार को प्रति माह हम करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में अदा करते हैं और सरकार को टैक्स के अदा करने के साथ साथ हजारों हजार यात्रियों को हम सुविधा प्रदान करते हैं। आज सरकार से हमें कोई अनुदान नहीं मिलता, हम अपने बलबूते अपना कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन उस 7% रूटों पर भी सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करके हमारे सामने रोजी रोटी का एक संकट पैदा करने जा रही है, जिसके विरोध में हमारे परिवहन निगम के अधिकारी और मान्यता प्राप्त चार संगठनों का एक मंच बना, मोर्चा बना हुआ है, जिसमें अधिकारी संगठन, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, रोडवेज कर्मचारी संघ, सेंट्रल रीजनल स्टाफ कर्मचारी संघ और संविदा कर्मचारी संघ शामिल है। हम सभी लोग मिल करके एक मंच पर आकर के और हम तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, प्राइवेटाइजेशन का कार्य जब तक नहीं बंद करती। हम निश्चित रूप से अपने अस्मिता के लिए, अपने इस परिवहन निगम को बचाने के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे हम।